गो आफ्टर द थिंग्स यू वॉन्ट्स, बड़ी जबरदस्त कहानी मुझे याद आ जाती है, गो आफ्टर द थिंग्स यू वॉन्ट, गो आफ्टर द थिंग्स यू वॉन्ट, जो आपको चाहते हैं वो चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मैं अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव स्टे किया मैंने रात को, रनर ऑर्गेनाइजेशन है जो वो रेस ऑर्गेनाइज करती है सैटरडेज एंड संडेज, है ना, साइकिल रेस होती है, सुशांत लोक और इधर उधर दाएं बाएं रेस होती है। आफ्टर द रेस वो कुछ स्टॉल लगाते हैं और स्टॉल में टब रखे रहते हैं, टब, उस टब में फ्रूट्स रहते हैं, एप्पल एंड बनानाज एंड चीकू, है ना, ये सब फ्रूट रहते हैं। तो जो लोग रेस खत्म कर लेते हैं या पूरा जब क्लोजर हो जाता है तो वो सब ऑर्गेनाइज करती है रोड रनर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल। तो जब वो मैं और मेरा फ्रेंड सुबह सुबह पहुंच गए तो रेस वेस करने के बाद जब वो पूरा खत्म हो गया तो मैंने कहा चल लेके आते हैं कुछ खाने का, हम तो है पेटू, और फोकट में मिले साला काय को छोड़ा। तो मैंने उसको बोला जय चले यार हम लोग, तो मुझे पता क्या बोलता है, मेरा लाइन देखी है, मैंने उसको बोला फ्री में मिल रहा है, तो उसको बोला बहुत बड़ी लाइन, मैंने बोला फ्री है, बोला मुझे लाइन में लगना नहीं। मुझे एक बात समझ में आई दोस्तों, मुझे जो चाहिए था वो मुझे दिख रहा था और उसको वो दिख रहा था जो उसको चाहिए था, लेकिन उसको चाहने में जो चीज रुकावट पैदा करती थी उसको वो नजर आ रहा था, मुझको वो नजर आ रहा था जो मेरे को, दोनों में फर्क है। वो देख रहा था जिस चीज से उसको जो चाहिए वो रोक रहा था, और मैं वो देख रहा था जो मुझको, दोनों के पास एक ही सर्कमस्टांसेस थे, एक ही कंडीशन थी, मुझको केला दिखाई दे रहा था साले को लाइन, दोनों रेस करके आए थे, मेरे को दिख रहा केला, उसको दिख रही है, वो कह रहा इतनी लंबी है, मैं लाइन देख ही नहीं रहा, मेरी खोपड़ी में वो टब में ऊपर ऊपर केले दिख रहे हैं। और फिर क्या हुआ, फाइनली वो नहीं गया, और फाइनली मैं नीचे से घुसा, हाथ हाथ मारा, लाइन जरूर थी मुझे पता है, हट मारा, खाया अम्मा से। लेसन बड़ा सिंपल है सर, कुछ लोगों को जो चाहिए उससे पहले वो नजर आता है जो वहां तक पहुंचने से पहले ऑब्स्टेकल्स होते हैं, और कुछ लोगों को सिर्फ वही दिखता है जो उनको चाहिए होता है।